आज के दिन जो हम पढ़ने जा रहे हैं आर एल सीरीज ए सी सर्किट, यानी कि हमारे पास आर फॉर रेजिस्टेंस, एल फॉर मेरे पास जो होता है इंडक्टेंस। तो इन दोनों को अगर हम एसी करंट में एसी सर्किट में लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इनकी फेजर डायग्राम भी देखेंगे, इनकी डेरिवेशन को भी देखेंगे, उनकी पावर डिसिपेशन वगैरह को भी देखेंगे। तो ये मेरे पास जो है एक वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज अटैच्ड एक आर और एक एल। तो मेरे पास हमेशा जो है वो इसके अंदर जो मेरे पास लीड करता होता है जो है मेरे पास वी। तो ये मेरे पास इनकी डायग्राम है जिसके अंदर आप देख सकते हैं वी जो है मेरे पास जो है वो वाई एक्सिस पे, एंड जो मेरे पास एल है तो वो मेरे पास जो है कहाँ पर है लोड, जो मेरे पास इंडक्टेंस है वो मेरे पास कहाँ पर ए बी है यानी कि एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ से मेरे को चीज़ भी पता चलती है यानी कि जो मेरे पास करंट जो है यानी कि वो मेरे पास एक्स एक्सिस पे एक्चुअली में, और वाई जो है मेरे पास जो है वो वाई एक्सिस पे वी है। तो मेरे पास जो है यानी कि जो मेरे पास दो किस्म के वी हैं यानी कि एक वी आर एक वी एल है, यानी कि एक रेजिस्टेंस वोल्टेज है एक इंडक्टेंस की वोल्टेज है। तो मेरे को दो जब भी आएंगी वोल्टेजेस तो जो एक अलग वोल्टेज होगी वी, उनके जो हम लोग मीन निकाल लेंगे या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम को भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो वो मेरे पास क्या बनेगा वो हम देखते हैं, इसी डायग्राम से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर मेरे पास इस तरह वी जो है वाई एक्सिस पे है और आई यहाँ पर है, तो मेरे पास जो इनका होगा दोनों का जो मेरे पास सम होगा यानी कि एक वेक्टर एडिशन होगी वो यहाँ पर होगी, लेकिन वो तब होगी जब मेरे पास दो वोल्टेजेस हों, यानी कि एक वोल्टेज मेरे पास जो है वो आर का है रेजिस्टेंस का और एक वोल्टेज मेरे पास जो इंडक्टेंस का है। तो इन दोनों का जो मैं बनाऊँगा वेक्टर वो मेरे पास क्या होगा यहाँ पर आएगा, ठीक है, ठीक है ना। या इसका मैं यूँ भी बना सकता हूँ कि ये वाली साइड मेरे पास यहाँ पर आ जाए, यानी कि अगर मैं कहूँ कि जी मेरे पास वी आर यहाँ पर है एंड वी एल जो है वो ये है एंड यहाँ पर जो वेक्टर है वो वी है। तो यहाँ से हम लोग किस तरह बना सकते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम जो है मेरे पास जो है क्या है हाइपोटेन्यूस का स्केयर जो है वो मेरे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस का। तो यहाँ पर मेरे पास थीटा बन रहा है, थीटे के सामने वाला जो है वो मेरे पास क्या होता होता है थीटे के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये खुद जो है हाइपोटेन्यूस यानी कि वी है। तो ये हो जाएगा मेरे पास वी का स्क्वायर, ये गौर से देखना, परपेंडिकुलर सामने वाला यानी कि वी एल का स्क्वायर और दूसरा क्या आ जाएगा फिर वी आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दोनों का जो है मैं स्क्वायर रूट दोनों साइडों पर लेता हूँ, तो यहाँ पर वी आ जाएगा और ये दोनों जो है स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे यानी कि वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो वी एल जो है वो मेरे पास इसके इक्वल होता होता है उस वी एल जो है उसकी करंट तो सेम ही होता है लेकिन रेजिस्टेंस जो है उसकी एक्स एल होती है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है, एंड वी आर जो है उसका तो आई आर ही होगा। तो यहाँ से मेरे पास आई स्क्वायर एक्स एल का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर और आर का स्क्वायर आएगा। तो आई स्क्वायर कॉमन आ रहा है वो बाहर चला जाएगा, अंदर मेरे पास जो है एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास वी आर है, ठीक है। अब अगर मैं दोनों साइडों पर आई के साथ डिवाइड करा दूँ तो मेरे पास रेजिस्टेंस बन जाएगी, तो वी बाय आई इज इक्वल टू आई बाई आई एंड ये ऊपर जो मेरे पास आ जाएगा जी एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये मेरे पास होता है वी इज इक्वल टू आई आर एंड वी बाई आई मेरे पास आर के इक्वल होता है ये, तो मेरे पास आर आ जाएगा एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको आगे देखते हैं, असल में ये मेरे पास इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस जो होती है वो मेरे पास इक्वल होती है जेड के, जेड मेरे पास जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी वैल्यू निकाल रही है यानी कि एक्स एल का स्क्वायर प्लस जो है मेरे पास आर का स्क्वायर आ रहा, ठीक है। तो इसको इसको ओम में नापा जाता है, ये मेरे पास जो है वो होती है रेजिस्टेंस आपर होती है मेरे पास बिटवीन वी एंड दोनों के दरमियान ये जो मेरे पास हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास यू आ जाएगा, अगर मैं टेन थीटा निकालना चाहूँ यहाँ से तो वो होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो पी मेरे पास क्या था परपेंडिकुलर मेरे पास क्या था वी एल एंड बेस मेरे पास है वी आर। तो वी एल का क्या होता है वी इज इक्वल टू आई आर एंड ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से ये कटेगा एंड एक्स एल बाय आर आ जाएगा मेरे पास टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर जो है एक्स एल एंड आर जो है वो नॉन कैलकुलेटेड है आर नॉन, और थीटा जो हमने कैलकुलेट करना है यहाँ से एक्चुअली में, सो थीटा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है।
अगर मेरे पास अप्लाइड वोल्टेज जो है बी इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी हो इन ओकेशन जो है, देन करंट के लिए मेरे पास जो है क्या बनेगी, माइनस ओमेगा हो जाएगा उसमें से, वेयर आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई जेड, यानी कि आई तो वैसे के वैसे ही आ जाएगा बाई जेड उसका, तो कोई एम इज इक्वल टू भी नहीं है। तो इन दोनों के रेशियो जो है जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा मेरे पास एंगल होगा, आप पावर की तरफ आ जाते हैं। तो फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स द पावर फैक्टर इज कॉस 0 इज इक्वल टू 1 एज करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। तो जब भी दोनों मेरे पास फेज में होते हैं तो कॉस इस्तेमाल होता होता है क्योंकि 0 से स्टार्टिंग है, लेकिन वैसे साइन ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कॉस क्यों है, क्योंकि दोनों इन फेज हैं। अगर इन फेज ना हो तो फिर मेरे पास साइन यूज़ होता है। तो हम अगर पावर की तरफ जाते हैं, तो अगर हम लोग पावर की तरफ आएँ तो पी आई और वी हमें दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से हमने आई और वी देख लिया क्योंकि थीटा ऐड हो रहा है, सो वो हमने डाल दिया उसके अंदर, और वी के अंदर ऐड हो रहा था इसलिए वी को चूज़ किया, आई के अंदर नहीं किया क्योंकि आई तो हमारे पास था ही नहीं, वो सेम है इसलिए थ्रू आउट द सीरीज। एंड पी इज़ इक्वल टू आई वी, देन हमने डाला वैल्यूज दोनों की डाल दी, ठीक है, एंड देन ये जो है ना साइन अल्फ़ा साइन बीटा, देन ये वो यूज़ हो रहा है। तो वो देन मेरे पास इसको जब हम सॉल्व करते होते हैं तो मेरे पास कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, यानी कि कॉस थीटा, एंड देन 1/2 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, जब हम दोनों को करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा पीछे। तो देन जो है हम इसको फॉरेन इंस्टेंस निकालेंगे, यानी कि करंट फॉरेन इंस्टेंस है, वोल्टेज फॉरेन इंस्टेंस, तो यही भी कॉस थीटा आ जाएगा, एंड कॉस थीटा 0 भी इक्वल होगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी पावर की, एंड वरना जो है मेरे पास 0 के ऊपर 90 के ऊपर जो है वो 0 आ जाएगी, एंड उसका कोई फ़ायदा हमें नहीं। ये था मेरे पास पावर वगैरह एंड हर चीज़ जो हमने देखी इसके अंदर, एंड समझ आ गई होगी आप सबको। ये दफ़ा मैं अपने पेजेस का स्क्रीन शॉट किस्म का चीज़ खरीद लूँ ताकि मुझे भी ये बाद में याद आए कि हमने ये निकाला है। शुक्रिया।